दोस्तों बिहार बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, थर्ड अलॉटमेंट लेटर एंड स्पॉट एडमिशन भी होने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में नाम आ गया है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप एडमिशन करवा सकते हैं। बट अगर आपका नाम नहीं आया है तो आगे आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका डायरेक्ट सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, तो हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए। यहाँ पर दोस्तों अब बात आती है कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर सेकेंड मेरिट लिस्ट कल जारी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आज जारी किया गया, 9 मई को जारी कर दिया गया है। 10 मई से लेकर 22 मई तक इसमें एडमिशन होने वाला, जिनका नाम आया है वो 3,000 रुपया का ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज अलाउट किया गया है उस कॉलेज में जाकर वो लोग एडमिशन करवाएंगे जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में नाम आया है, फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज डिसाइड हुआ है जिनका। अब देखिए यहाँ पर अब मेन पॉइंट है, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर कब जारी किया जाएगा, तो 22 मई तक तो इसमें जो एडमिशन ही होगा। जी हाँ, जिसका फर्स्ट अलॉटमेंट में आया उसका 22 मई तक इसका एडमिशन ही होगा। उसके बाद 3-4-5 दिन का टाइम लगता है इसमें, कितना कॉलेज में सीट बचा हुआ है, कितना एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का नाम आने के बावजूद एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो वो सीट जितना भी खाली होंगे वो जो है भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब कि जो एलएनएमयू यूनिवर्सिटी है, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्हें भेजा जाएगा। उसके बाद फिर से आपका जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पर डेट आप अनुमान डेट लगा सकते हैं, तो कम से कम तो ये जो महीना चल रहा है इस महीने में आने की संभावना नहीं है आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर। हो सकता है कि आपका 30 तारीख तक में आ जाए, बट चांस कम है। तो ऐसे जोड़ लीजिए कि आपका ये जो है मई में आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर सेकेंड अलॉटमेंट लेटर नहीं आने वाला है, आपका डायरेक्ट आपका जून में, जून के फर्स्ट वीक में 5 जून तक में आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरा अपडेट पता चल गया होगा क्या अपडेट है, और भी फ्यूचर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पल पल का अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिल जाता है सीटेट से रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।